ये है सैमसंग गैलेक्सी A15 का टिपिकल बॉक्स, जहां पर ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आएगा और इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या होगी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो को लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं, जहां पर स्मार्टफोन के बॉक्स को हम स्लाइडली ओपन करते हैं। जहां बॉक्स को ओपन करने पर सबसे पहले हमें एक और टिपिकल पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमें USB C2C डेटा केबल, ज्ञान से भरे हुए कुछ पत्र देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आजकल कोई भी नहीं पढ़ता है। इसी के जस्ट नीचे हमें हमारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और स्मार्टफोन के लास्ट सेक्शन में हमें एक सिम इंजेक्ट टूल देखने को मिल जाता है। अब आते हैं सीधे अपने स्मार्टफोन में। सबसे पहले इसकी ट्रिपिकल पैकेजिंग को ओपन करते हैं और सबसे पहले करते हैं फोन का स्विच ऑन। जब तक ये स्मार्टफोन का स्विच होता है ऑन, तब तक हम इसके फिजिकल व्यू की बात कर लेते हैं। करते हैं स्मार्टफोन के राइट साइड से, जहां पर हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के साथ में पावर बटन देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें एक इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जिससे स्मार्टफोन की सिक्योरिटी नॉर्मल से थोड़ी और बढ़ जाती है। फिर स्मार्टफोन के बॉटम में 3.5 जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट और स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड में सिम ट्रे देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें आप एक टाइम पर दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड को यूज कर पाओगे। स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा स्टेप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 3 इंडिविजुअली कैमरा बम्प देखने को मिलते हैं, जिसका प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी सेंसर है 5 मेगापिक्सल का, जो आता है अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के साथ में, और इसके अलावा थर्ड सेंसर है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। बाकी स्मार्टफोन के मिड में सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और बाकी ये स्मार्टफोन बैक साइड में आपको प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलता है, जिससे स्मार्टफोन एक्चुअल में काफी ज्यादा प्रीमियम एंड क्लासी फील होता है। बात करें अगर स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बाकी स्मार्टफोन के सेंटर में एक आपको छोटा सा वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है, जिसमें लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर सेल्फी और वीडियो कॉल जैसी चीजों के लिए। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें लगा हुआ है MediaTek Helio G99 चिपसेट, जो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये गेमिंग चिपसेट है। इसका ऑन तो स्कोर है 4 लाख के अराउंड, जिस कारण से स्मार्टफोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बिल्कुल सही रहने वाली है। वहीं पर बात करें अगर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो वो भी एकदम सही रहने वाली है। यहाँ पर हमने कई सारे अलग अलग गेम्स को ट्राई किया है, जहाँ पर हाई ग्राफिक्स में प्ले करने पर यहाँ पर हीटिंग इशू और लैग इशू देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ग्राफिक्स आपको काफी शानदार देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आपको काफी लंबे टाइम तक साथ निभा देगी। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो मैच कुछ मिनटों में स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देगा। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के कैमरे की, तो यहाँ पर आपको काफी सारे अलग अलग मोड्स एंड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फोटोग्राफी को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते हो। और फिलहाल अब देखो इस स्मार्टफोन के कैमरे के थ्रू क्लिक की गई कुछ इमेजेस को। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो इंडिया में ये स्मार्टफोन लास्ट दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात करें अगर इसकी प्राइस को लेकर, तो इसके बेस वेरिएंट 6 GB RAM 128 GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 15,000 रुपए से कम होने वाली है।